हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स हम कर रहे थे चैप्टर टू सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। सो लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक वन। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन टॉपिक वन रिगार्डिंग आवर सोशलिज्म इन यूरोप। सो नाउ इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है जी। तो इस टॉपिक में हमने स्टूडेंट देख डिस्कस करना है कि रशियन रेवोल्यूशन कैसे आया यूरोप में, रशिया में, और उसके रीज़न भी हम थोड़े से डिस्कस करेंगे इसमें, और रशियन अम्पायर के बारे में भी हमने डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, मैं आपको बता देता हूँ कि 1917 में रेवोल्यूशन हुई थी रशिया में। एक फेब्रुअरी रेवोल्यूशन है, दूसरी अक्टूबर रेवोल्यूशन है। तो उस रेवोल्यूशन में क्या हुआ था जी, जो मोनार्की थी उसको उसका फॉल हो गया था, यानी कि ख़त्म हो गई मोनार्की। सो मोनार्की ख़त्म होने के बाद वहाँ पे सोशलिज्म आया, यानी सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनी। सो अब यहाँ पे हमने डिस्कस करना है रशियन रेवोल्यूशन के रीज़न और रशियन अम्पायर के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रशियन अम्पायर। 2.1 हमारा है रशियन अम्पायर 1940। सो रशियन अम्पायर के लार्जेस्ट अम्पायर बिफोर 1940 एक बहुत बड़ी अम्पायर थी, जो जहाँ पे रूल करता था टिसार निकोलस। उनका जो वंश चल रहा था टिसार निकोलस टू वन, तो ऐसे उनकी जो एक प्रथा चल रही थी, गद्दी चल रही थी, सिस्टम चल रहा था रशिया में, रोमन अम्पायर रशियन अम्पायर में टिसार निकोलस टू। सो बिसाइड टेरिटरी में बहुत बड़ी अम्पायर थी रशियन अम्पायर थी। इसमें कंट्रीज हैं जो मैं आपको उनको नेम बता देता हूँ, और मैप में स्टूडेंट इसमें बुक में मैप दिया हुआ है रशियन अम्पायर का, पेज नंबर 30 है। तो वहाँ पे भी आप इसको देख सकते हो कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो रशियन अम्पायर का पार्ट थी। उसका नेम मैं आपको बता देता हूँ, तो करंट डे है फिनलैंड, लताविया, लिथुआनिया, स्लोवेनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस। ठीक है, ये कंट्रीज हैं। इसके अलावा सेंट्रल एशियन स्टेट भी थी, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, बाइजान। सो ये कंट्रीज हैं जो रशिया की रशियन अम्पायर में आती थी 1940। ठीक है जी। सो रशिया में कौन सी रिलीजन है जो फॉलो किया जाता था? ऑर्थोडॉक्सी क्रिश्चियनिटी है जो वहाँ पे है, जो प्रैक्टिस की जाती है। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी हम ये बोल सकते हैं उसमें, ये कैथोलिक रोमन कैथोलिक है जो मेनली है, जो वहाँ पे जो प्रैक्टिस किया जाता था रिलीजन है वो रशियन कैथोलिक चर्च, यानी कि ऑर्थोडॉक्स। उसके अलावा कैथोलिक्स के अलावा प्रोटेस्टेंट्स भी थे, मुस्लिम भी थे और बुद्धिस्ट भी थे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग भी रशियन अम्पायर में कि पार्ट थे रशियन अम्पायर के सिटीजन थे। ठीक है, मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स। ठीक है, सो ये अम्पायर है ऐसे डिवाइड। रोमन रशियन अम्पायर की बात करें तो दो बातें याद रखने वाली बात है इसमें यहाँ पे, कि टिसार निकोलस वहाँ किंग थे, और जो कंट्री स्ट्रेच करती थी वो मैंने उसके नेम आपको बता दिए। और रिलीजन में जो है क्रिश्चियनिटी, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है जो क्रिश्चियनिटी जो प्रैक्टिस की जाती थी, एंड उसके अलावा बुद्धिस्ट, मुस्लिम एंड कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स भी हैं जो वहाँ पे, ये रिलीजन के लोग ये लोग रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट 2.2 की, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। सो व्हाट अबाउट द इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ रशियन अम्पायर? रशियन अम्पायर की जो बात करें हम 18th century की, बिगनिंग ऑफ द 20th century में 80% लोग हैं जो 85% लोग हैं वो क्या करते थे, एग्रीकल्चर। सो मोस्ट प्रोबेबली द पॉपुलेशन बिलोंग टू एग्रीकल्चर फील्ड। सो ज़्यादातर लोग हैं जो एग्रीकल्चर ही प्रैक्टिस करते थे। इंडस्ट्री बहुत कम थी, यानी इंडस्ट्री अवेलेबल इन पॉकेट्स। मेनली जो इंडस्ट्रियल रीजन थे वो थे
सेंट पीटर्सबर्ग ठीक है एंड मॉस्को, जहां पे इंडस्ट्री है जो मिलती थी। बट धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हुआ है, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से तो इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे है जो एक्सपेंड हो रही थी रशिया में। तो रशिया में धीरे धीरे जैसे जैसे जो इंडस्ट्री एक्सपेंड हो रही थी, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो मोस्टली क्या थे, इंडिविजुअल थे, ठीक है, इंडिविजुअल मनी मेन मीन्स के सिंगल पर्सन है जो वो ऑनर था इंडस्ट्री, ठीक है। 1890 के बाद जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी थी, बढ़ चुकी थी। अब यहाँ पे जब इंडस्ट्री बढ़ रही थी 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में इंडस्ट्री अभी एक्सपैंड हो रही थी, तो इंडस्ट्री एक्सपैंड होने से क्या हो रहा था, जो मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन हैं लोग वो इंडस्ट्री में जाके काम कर रहे थे, यानी कि मोस्टली लोग अब इंडस्ट्री में जाके काम करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। एग्रीकल्चर से भी थे जो लोग जो लेबरर थे वो इंडस्ट्री में जाके काम करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इंडस्ट्री स्प्रेड हो रहा था पूरे रशिया में। तो जैसे जैसे इंडस्ट्री स्प्रेड हो रही थी रशिया में, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, अब मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियलिस्ट है वो इंडिविजुअल है सिंगल है, तो उन्होंने ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने के लिए जो वर्कर्स हैं उनके वर्किंग आवर हैं जो अनलिमिटेड थे, और जो वेजेस थे वो बहुत लो थे। इट मीन्स जो वर्कर्स हैं वो वर्क कर रहे हैं 10-12 आवर्स फैक्ट्रीज में, और जो वेजेस हैं उनको बहुत लो। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने रूल बना दिया, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस आई, गवर्नमेंट ने बोला कि आप इंडस्ट्रीज को बोला कि आप वर्किंग आवर हैं वो फिक्स कर दिए, गवर्नमेंट ने 8 आवर कर दिए और वेज फिक्स कर दिए। बट इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने इन रूल्स को ब्रेक कर दिया, इंडस्ट्रियलिस्ट इन रूल्स को नहीं मानते थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेम इज एज इट जो प्रैक्टिस पहले चल रही थी उसी को फॉलो किया, यानी कि 10 to 12 आवर जो वर्कर हैं वो काम कर रहे हैं फैक्ट्रीज में इंडस्ट्रीज में, और जो नीचे से भी कम हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या हो रहा था, डे बाय डे जो हालात थे वो वर्स होते जा रहे थे, ठीक है, वर्कर हैं वो एक्सप्लॉयट होते जा रहे थे डे बाय डे, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो ज़्यादा इनकम ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने के चक्कर में उनसे ज़्यादा टाइम वर्क कर रहा था, और जो वर्किंग कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा बैड थी, यानी कि वहाँ पे चिमनी वर्कर्स वर्क करते थे, वहाँ पे कोई भी उनके लिए वाटर अवेलेबिलिटी नहीं थी, कोई सैनिटेशन प्रॉपर नहीं था, कोई क्वालिटी नहीं थी रहने की, फूड की कोई क्वालिटी नहीं थी, तो डे बाई डे जो हालात है जो सर्कमस्टांसेस हैं जो सिचुएशन है वो वर्स हो गई, ठीक है। सो ऐसे सोसाइटी में चेंज आते जा रहा है। सो धीरे धीरे वर्कर्स ने विद्रोह करना स्टार्ट किया, वर्कर्स डिवाइडेड द सोशल ग्रुप्स, सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक विद द विलेज व्हिच दे कम, अदर सेटल्ड इन द सिटीज परमानेंटली, वर्कर डिवाइडेड बाय स्किल। अब जो जो वर्कर्स की स्किल्स थी उसके अकॉर्डिंग वो डिवाइड होता है, इट मीन्स वर्कर्स ने अपने ग्रुप बनाने शुरू कर दिए, और ग्रुप बना के उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया, वो अगेंस्ट हो गए किसके, इंडस्ट्रियलिस्ट के अगेंस्ट हो गए कि हम आपके यहाँ पे वर्क नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, ठीक है जी, अगर हमारी शर्तें मानी जाएंगी तो हम एग्री, ठीक है जी। तो डिस्पाइट रीजन वर्कर्स ने यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क स्टॉप व्हेन दे डिसएग्रीड देयर विद एम्प्लॉयर्स वर्क कंडीशंस, तो जो हड़तालें थी जो स्ट्राइक थी वो 1896 में से 1897 एंड मेटल इंडस्ट्री में 1902 में जो स्ट्राइक्स हैं वो होनी शुरू हुई। सो पीजेंट कल्टीवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड बट नॉबल्टी द क्राउन ऑफ ऑर्थोडॉक्स चर्च ओल्ड लार्ज। अब यहाँ पे
इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर थे उनके साथ तो ऐसे इंडस्ट्री में एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी। अब जो पीजेंट थे वो भी चाहते थे कि हमें भी जस्टिस मिले, क्योंकि जो पीजेंट है वो वर्क किनके यहाँ कर रहे हैं, नॉबल्स के यहाँ, ठीक है जी, नॉबल्स के यहाँ वर्क कर रहे हैं और नॉबल्स भी उनको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। तो वर्कर भी चाहते थे जो लैंड है उनको दे दिया जाए, उनमें डिवाइड कर दिया जाए, इक्वली डिवाइड कर दिया जाए लैंड है जो, तो उनकी डिमांड, ठीक है जी। अब इकोनॉमी के साथ साथ क्या हुआ, सोसाइटी में भी चेंज आ गया, सोशल चेंज आ गया, वर्कर्स की ऑर्गेनाइजेशन बन गई पीजेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन, पीजेंट अगेंस्ट हो गए लैंड ऑनर्स के, लैंड लॉर्ड्स के, और वर्कर्स किसके अगेंस्ट हो गए, फैक्ट्री ऑनर्स, ठीक है जी। तो ऐसे सोसाइटी में चेंज आना है तो वो शुरू हो, ठीक है जी। सो रशियन पीजेंट डिफरेंट फ्रॉम द यूरोपियन पीजेंट अनदर, दे होल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियोडिकली एंड दे देयर कॉम्यून डिवाइडेड इन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज, ठीक है। यूरोपियन और रशियन पीजेंट में फर्क था, वो डिवाइड हो चुके, ठीक है। रशिया में पीजेंट क्या चाहते थे, दे वांटेड टू लैंड, रशिया में पीजेंट चाहते थे कि लैंड डिवाइडेड इनटू इक्वली एंड गिवन टू देम बाय द नॉबल्स, कि नॉबल उनके इक्वली है जो लैंड है में डिस्ट्रीब्यूट कर, ठीक है जी। और उन्होंने क्या किया, दे फ्रीक्वेंटली रिफ्यूज टू पे द रेंट, अब उन्होंने रेंट देने से भी मना कर दिया, उन्होंने पीजेंट ने, रशियन पीजेंट ने, हम रशियन पीजेंट की बात कर रहे हैं, रशियन पीजेंट चाहते थे कि नॉबल उनको लैंड है इक्वली डिवाइड कर दे उन्हें, और रशियन पीजेंट ने रेंट पे करने से भी मना कर, ठीक है जी। सो 1902 में क्या हुआ, लार्ज स्केल इन रशिया, ठीक है, लार्ज स्केल में रशिया में लैंड लॉर्ड को मर्डर कर दिया गया, यानी कि मार दिया गया। 1905 में सच इंसिडेंट टू प्लेस ऑल ओवर रशिया। सो 1902 में तो रशियन पीजेंट ने लैंड लॉर्ड को मारना शुरू कर दिया, और 1905 तक आते आते ये इंसिडेंट पूरे ऑल ओवर यूरोप में होने शुरू, रशिया में होने शुरू। अब मैंने आपको यह बताते जो रशियन पीजेंट से यूरोपियन पीजेंट डिफरेंट थे, ठीक है जी। दे पोल्ड देयर लैंड टुगेदर, वो लैंड को पोल्ड करना चाहते थे पीरियोडिकली डिवाइडिंग अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ नीड, जैसे जैसे कि उनकी नीड है, जैसे जैसे फैमिलीज हैं उनमें उनको डिवाइड कर दिया जाए लैंड को, ये कौन कहता था, यूरोपियन डिमांड अकॉर्डिंग टू द डिमांड, बट रशियन पीजेंट कहते थे वो सारा लैंड उनमें दे दें, बट यूरोपियन पीजेंट है जो उनसे डिफरेंट, वो पीरियोडिकली कहते थे कि जैसे जैसे कि फैमिली की नीड्स हैं उनको लैंड पे दे दें, ठीक है जी। तो ये था स्टूडेंट्स 2.2 इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ठीक है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 2.3 सोशलिज्म इन रशिया। अब लास्ट टॉपिक, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सोशलिज्म टू यूरोप, यूरोप में सोशलिज्म कैसे बैठा, बट यहाँ पे हम अब यहाँ पे फोकस किसके ऊपर कर रहे हैं, हम रशिया के ऊपर कर रहे हैं कि रशिया में सोशलिज्म है जो कैसे आया, ठीक है जी। तो ऑल पॉलिटिकल पार्टी वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1940 से पहले जितने भी पार्टीज बनी हुई थी सभी को इलीगल कर दिया गया किनके द्वारा। अब 1907 में एसपीडी बना था, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनी थी, ठीक है। उसके बाद 1898 में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनी थी जो मार्क्स के आइडिया के अकॉर्डिंग बनी थी, ठीक है जी। रशियन स्पेल्ड द रशियन पीजेंट कस्टम डिवाइडिंग इन द पीरियड। फिर उसके बाद 1900 में सोशलिस्ट रशियन रेवोल्यूशन पार्टी बनाई, ठीक है। और अब यहाँ पे पार्टी बनती गई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनी, फिर उसके बाद सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बनी, और बल्मीदा लेलिन ने एक पार्टी बनाई
बोल्शेविक पार्टी, ठीक है। अब यहाँ पे जो वर्कर्स थे वो भी डिवाइड थे टू पार्ट, ठीक है जी, सम वर्क पुअर। कुछ रिच पीजेंट रिच लेबरर्स ने पार्टी सुनाई थी और कुछ पुअर्स ने, तो ऐसे वो डिवाइड हो चुके थे। वल्मीदार लेनिन ने जो बोल्शेविक पार्टी बनाई थी वो सपोर्ट करती थी सभी को, ठीक है जी। कि बोल्शेविक पार्टी की आइडियोलॉजी थी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड की वो इक्वली होनी चाहिए, कोई भी रिच और पुअर नहीं होना चाहिए। बट अनदर साइड जो मेंशेविक थे वो क्या चाहते थे, वो लिबरल थे, ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू द लैंड साइज, अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी जो लैंड है वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, ठीक है जी। सोशलिस्ट टू पार्ट्स में बट गए, वन इज द बोल्शेविक, सेकेंड इज द मेंशेविक। बोल्शेविक क्या बोलते हैं, बोल्शेविक बोलते हैं कि लैंड है जो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए सभी, ठीक, इक्वालिटी, प्रॉपर इक्वालिटी होनी चाहिए, कोई भी रिच पुअर नहीं होना चाहिए। कौन बोलता है, बोल्शेविक। बोल्शेविक पार्टी के लीडर कौन थे, वल्मीदार लेनिन, ठीक है। और जो वल्मीदार लेनिन को सपोर्ट नहीं करता था वो कौन थे, वो मेंशेविक थे। और मेंशेविक कौन है जी, लिबरल, जो लिबरल है, लिबरल डेमोक्रेटिक्स हैं वो मेंशेविक है, और जो बोल्शेविक है वो सोशलिस्ट है, प्योर सोशलिस्ट है। इट मीन्स नो रिच नो पुअर, ऑल आर इक्वल, ठीक है जी। तो ऐसे रशिया में सोशलिज्म है जो वो स्प्रेड है, राइट एवरीबॉडी। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि अब ये सोशलिज्म है जो रशिया में डेवलप होना शुरू हो गया, फैलना शुरू हो गया, हर जगह स्ट्राइक शुरू होगी, विद्रोह शुरू हो गया। और उसी टाइम पे एक रेवोल्यूशन होती है 1905, और ट्रिबुलेंट टाइम 1905 रेवोल्यूशन, द 1905 रेवोल्यूशन। अब 1905 रेवोल्यूशन क्या है जी, 1905 रशिया वाज एन एक्ट ऑफ ऑटोक्रेसी, अदर यूरोपियन रूलर्स इवन बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी आर नॉट सब्जेक्ट टू द पावर, लिबरल रशिया कंपेयर्ड टू एंड द स्टेट अफेयर्स, सोशल डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी, दे वर्क विद पीजेंट एंड वर्कर्स ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन, डिमांडेड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। रशिया में ऑटोक्रेसी थी और यूरोपियंस थे, जो यूरोपियंस रूलर्स थे वो चाहते थे 20th सेंचुरी में के जो पार्लियामेंट बने उसमें किसान को बाहर निकाल दिया जाए, ठीक है जी। ध्यान से सुनो, समझने वाली बात है फ्रेंड्स, रशिया में क्या है, ऑटोक्रेसी है, और यूरोपियन रूलर्स यानी जो अदर रूलर्स हैं वो क्या चाहते हैं कि पार्लियामेंट बनाया जाए और पार्लियामेंट में किसान को बाहर निकाल दिया, और वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी और सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। और उनकी डिमांड क्या है, उनकी डिमांड है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया 1905 में, डिमांड हुई कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है जी। उसके चलते हुए जो 1904 में बैड वन रशियन वर्कर्स, सो 1904 में रशियन वर्कर के साथ अच्छा नहीं हुआ, क्या अच्छा नहीं हुआ कि जो एसेंशियल गुड्स थी यानी कि जरूरी चीज़ें थी उनके प्राइस को बढ़ा दिया वर्कर्स के लिए, क्या हुआ कि जो एसेंशियल गुड्स थी उसको 1904 में बढ़ा दिया और वेजेस हैं वो रिड्यूस कर दिए गए वर्कर्स के, ठीक है जी। और इससे क्या हुआ जी, जो कुटिला वर्कर्स थे उन्होंने वो स्ट्राइक भी किया, ठीक है जी, स्ट्राइक पे चले गए। और स्ट्राइक क्या थी, 1,10,000 वर्कर्स सेंट पीटर्सबर्ग में वो स्ट्राइक पे चले, पुटी लव आयरन वर्कर्स थे जो वो कहाँ चले गए, स्ट्राइक पे। क्यों चले गए, क्योंकि जो खाने पीने की चीजें थी उनका जो प्राइस था वो बढ़ा दिया गया, और उसके बाद जो उनके वेजेस थे वो कम कर दिए गए, ठीक है जी।
इससे वो परेशान हो गए, दुखी हो गए। वर्कर्स थे, उन्होंने क्या किया, स्ट्राइक कर लिया वो। और वो स्ट्राइक में 1,10,000 वर्कर्स थे जो सेंट पीटर्सबर्ग के आगे उन्होंने स्ट्राइक कर दिया। ठीक है जी, अब उन्होंने स्ट्राइक कर दी। स्ट्राइक में डिमांड क्या थी, रिडक्शन ऑफ द वर्किंग आवर्स एंड इंक्रीजिंग वेजेस, ये उनकी मेन डिमांड थी। ठीक है जी, मेन डिमांड क्या थी कि वर्कर्स के वर्किंग आवर्स रिड्यूस कर दिए जाए, वेजेस इंक्रीज कर दिए जाए। ठीक है जी, अब क्या हुआ जी, 1905 में ये पर्सन थे जो, वो कहाँ पे इकट्ठे हुए थे, विंटर पैलेस में। किसके मतलब जिनको लीड कौन कर रहा था, फादर कैप्पन। फादर कैप्पन के अंडर यानी कि उनके लीडरशिप के अंडर वर्कर्स हैं जो विंटर पैलेस के आगे गए स्ट्राइक के लिए। तो वहाँ पे क्या हुआ, उनके ऊपर पुलिस ने अटैक कर दिया। और अटैक करने के बाद क्या हुआ जी, बहुत सारे लोग हैं जो मारे गए, 100 वर्कर्स हैं जो किल्ड हो गए और 300 हैं जो वांटेड हो गए। तो इस इंसिडेंट को क्या बोला गया जी, ब्लडी संडे। ब्लडी संडे के नाम से ये इंसिडेंट है जो वो फेमस है। क्लियर है जी, तो ब्लडी संडे में क्या हुआ था जी, फादर कैप्पन है जो वर्कर्स को लेके विंटर पैलेस में गए थे स्ट्राइक पे, वहाँ पे पुलिस ने उनके ऊपर अटैक कर दिया और जिसमें 100 वर्कर्स हैं मारे गए और 300 बॉम्ब्स वांटेड हो गए। तो इस इंसिडेंट को क्या बोला जाता है जी, ब्लडी संडे बोला जाता है रशियन हिस्ट्री, रशियन लैंग्वेज के टाइम। ठीक है जी, सो ऐसे वर्कर्स हैं जो वो स्ट्राइक पे चले गए थे और उनके साथ ये ड्यूरिंग 1950 रिवॉल्यूशन के साथ लॉर्ड ऑपरेशन इलेक्टेड कंसोलिडेटिव पार्लियामेंट ऑफ कोमो। अब इस रेवोल्यूशन के बाद जो टिसार निकोलस थे वो एग्री हो गई कि हाँ जी आप इलेक्टेड डुमा है जो वो बना सकते हैं। ठीक है जी, इलेक्टेड डुमा कंसोलिडेटिव इलेक्टेड डुमा है जो बन सकती है और वो बनी। बट विद इन 75 डे में टिसार निकोलस ने इसको डिसमिस कर दिया। 75 डेज में फर्स्ट दुमा है जो वो रिजेक्ट हो गई, यानी कि इसको बैन कर दिया। सेकेंड दुमा है जो, दुमा मीन्स पार्लियामेंट, सेकेंड दुमा है वो 3 मंथ चले। ठीक है जी, और ही ऐसे ये दुमा हैं जो वर्क राइट एवरीबॉडी। तो ये था हमारा 2.5। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है 2.5। 2.5 क्या है स्टूडेंट्स, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। ठीक है जी, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ जी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 तक है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है जी, 1914 to 1918। और एक अलाइड पावर थी, तो रशिया इज अ पार्ट ऑफ अलाइड पावर। अब रशिया का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेशन क्या था जी, पार्टिसिपेशन किया रशिया ने क्योंकि अलाइड पावर का मेंबर होने की वजह से उसने पार्टिसिपेट किया। बट रशिया का काफ़ी नुकसान हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ठीक है जी, जर्मन ने काफ़ी नुकसान किया रशिया का, बहुत सारे उनके क्रॉप्स हैं जो फेल हो गई, खराब हो गई, बहुत सारी कैजुअलिटी हैं जो इसमें मारी गई। ठीक है जी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 7 मिलियन कैजुअलिटी हैं जो वो इन्वॉल्व थी। ठीक है, रशियन आर्मी ने डिस्ट्रॉय कर दिया बिल्डिंग्स को, 3 मिलियन है जो रिफ्यूजी हो गए, रिफ्यूजी इन रशिया। सो द सिचुएशन डिस्क्राइबिंग गवर्नमेंट एंड द टिसार, तो काफ़ी नुकसान है जो रशिया को इस वॉर में झेलना पड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जिससे जो इकोनॉमी है रशिया की काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुई। ठीक है जी,
रशिया की इकोनॉमी काफ़ी डाउन हो गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि उनकी वेपन्स उनकी इकोनॉमी के ऊपर बैडली हिट हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, ठीक है। तो दैट इज द कंडीशन ऑफ रशियन एम्पायर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइट एवरीबॉडी। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा जो टॉपिक टू है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेक्चर वन में हमने टॉपिक वन किया था, ये हमारा लेक्चर टू है, और लेक्चर थर्ड में हम करेंगे टॉपिक थर्ड। थैंक यू।